Good morning, class 4 students. I'm your English teacher. Today is date 2nd of August 2021 and day is Monday. So dear student, today we are going to read and understand part C of chapter number 4 and the name of the chapter is Happy Family, okay? Page number 35. Part C, circle the names of 8 relatives in this word search. Kya karna hai? Circle karna hai. Hame 8 is word search mein 8 relatives ke naam. सर्कल द नेम्स ऑफ एट रिलेटिव्स. ठीक है, अब ये है वर्ड सर्च. ओके, यहाँ फर्स्ट दिया है कज़न, सी ओ यू एस आई एन, कज़न. कज़न का मतलब जो हमारे चाचू चाची या मामा किसी के बच्चे होते हैं उनको हम कज़न बोलते हैं. ठीक है, सेकंड है, अब यहाँ देखो अंकल चाचा हम बोलते हैं, फिर फादर पापा, फिर एफ ए टी एच ई आर फादर, फिर उसके बाद डी ए यू जी एच टी ई आर डॉटर, डॉटर का मतलब बेटी, फिर उसके बाद एम ओ टी एच ई आर मदर, मदर का मतलब माँ, फिर एस ओ एन सन का मतलब बेटा, फिर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर, ब्रदर का मतलब, ब्रदर का मतलब भाई, ए यू एन टी आंट, आंट का मतलब चाची. ठीक है, यहाँ हुआ 8 रिलेटिव्स नेम, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अब पार्टी रीड द नेम्स, इन नेम्स को पढ़ना है. सर्कल द एक्शन दैट ईच कैन डू, इन नाम्स को पढ़ना है, इन नेम्स को पढ़ना है और जो एक्शन ये लोग, ये जो नाम यहाँ लिखे ये लोग करते हैं, इस उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना. ठीक है, ये है नेम्स, ये है एक्शन, वो लोग क्या क्या एक्शंस करते हैं. ठीक है, पहले मंकी, मंकी क्या करता है, क्लाइम चढ़ता है और रीड पढ़ता तो नहीं है, स्विंग झूला झूलता. ठीक है, फिर बेबीज छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्राई रोते हैं, फ्लाई क्या उड़ते हैं, नहीं, फिर इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. क्रॉल, क्रॉल का मतलब क्या है, रेंगना. ठीक है, रेंगना, रेंगते हैं वो. ठीक है, छोटे बच्चे, फिर हम क्रॉल को सर्कल करेंगे. फिर थर्ड है डॉग्स, डॉग्स कुत्ते, कुत्ते क्या करते हैं, बाघ, बाघ मतलब बोंगना. ठीक है, वो लोग आवाज़ निकालते हैं, राइड वो लिखते हैं क्या, नहीं वो लिखते नहीं है. डिग, डिग का मतलब खोदना, वो लोग ज़मीन खोदते. ठीक है, अपने पंजों से. फिर डक, डक का मतलब बत्तख, वो क्या करते हैं, स्विम, वो लोग तैरते हैं, क्वैक करके आवाज़ भी निकालते हैं. टॉक, वो लोग क्या बातें करते हैं, नहीं वो टॉक नहीं करते. ठीक है, इसी तरह आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, आप लोगों को ये अच्छे से ये रीड करना है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.